नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने राजस्थान की जो कंप्यूटर आपका वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर का कह सकते हो, इंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, इसकी वैकेंसी काफ़ी जो विज्ञापन था वो 1 तारीख में ही आ गया था, लेकिन जो फॉर्म फिलिंग है आज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। तो सबसे पहले जितने बच्चे यहाँ पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब हो जाएगा, ठीक है, और कितनी इसकी वैकेंसी है। अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लिए, देखो ये वैकेंसी तो राजस्थान की है, लेकिन अगर आप यूपी वाले हो चाहे कोई भी अदर स्टेट के हो, तो आप राजस्थान में एज ए जनरल फॉर्म फिल कर सकते हो। और बात है इस समय रोजगार की, कहीं भी रोजगार मिल जाए, आपका कैरियर सेटल हो जाए, बस यही आप लोग भी चाहते हो। तो उसी क्रम में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और टेक्निकल फील्ड की वैकेंसी है, जो बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी, सीएसआईटी से किए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 9,000 के अप्रोक्स ये वैकेंसी है, ठीक है। तो आज से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 9 मार्च तक इसका लास्ट डेट है, 9 तक चलेगा, और ऑन अप्रोक्स कहा जा रहा है कि मई या जून के अप्रोक्स इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में एकदम बम्पर भर्ती एक के बाद एक आती जा रही है, तो अगर आपको सबसे पहले यहाँ तो चुनाव है, तो अगर आपको कहीं भी कंसंट्रेट करना है कि आपको एक रोजगार लेना है और अपने कैरियर को सेटल करना है, तो राजस्थान की तरफ मेरा तो यही मानना है कि एक बार सेटल हो जाए कहीं ना कहीं आपके हाथ में जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, इंस्ट्रक्टर है, उसके 8,974 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र में, जैसे कुछ रिजर्वेशन एरिया होते हैं और अनरिजर्व एरिया होती है, तो जो रिजर्व एरिया है उसमें 888 पोस्ट इसके रिजर्व किए गए हैं, ठीक है, 888 पोस्ट रिजर्व किए गए हैं, तो 9,862 पोस्ट इसके हैं बेसिक वाले के। और एक सीनियर है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, तो आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है वो टोटल 282 पोस्ट ही है, और 13 आपके आरक्षित सेट में है, तो 295 है, 10,000 वैकेंसी ये दोनों को मिलाकर है, ठीक है। तो मैक्सिमम हम बात करेंगे कि इसके बारे में 8974 वाली जो वैकेंसी है जो आपका, उसके बारे में बात करेंगे, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो विज्ञापन दिया गया है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है सब बताया गया है। फॉर्म में अगर गलती हो जाती है तो वो सही नहीं होगा, मतलब आप उसे सही नहीं कर सकते हो, ये सब बताया गया है। फी कैसे सबमिट करना है, आप जब राजस्थान सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटियल सिलेक्शन बोर्ड की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, और इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फीस जो दिया है आपका 450 रुपया है, ठीक है, जनरल के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, बाकी रिजर्वेशन के लिए कम है, तो इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा इसमें डिटेल दिया है। मेन जो है सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, उस पर हम लोग आते हैं। ये वैकेंसी का डिटेल दिया है कि किस एरिया में, मतलब राजस्थान के किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसियां इसमें हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मेन जो हमारा जो जानकारी आपको चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो उसको देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या क्या चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें राजस्थान बोला है, राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज अमेंडमेंट रूल 2021 शेड्यूल सेकंड, अ न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग्स के तहत, ठीक है। वो क्या है, राजस्थान से मतलब एक अमेंडमेंट है, एक बिल है, उसमें उसके तहत अगर आप ऐसी ऐसी योग्यताएं रखते हैं, क्या मास्टर इन इंजीनियरिंग जिसे एमई कहते हैं, मतलब ये किसके लिए है, ये सीनियर वाले के लिए, जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर कुछ भी बोल सकते हो, उसी के लिए है एक तरह से। और एमई मतलब मास्टर इन इंजीनियरिंग या एमटेक, किस किस ब्रांच से, सीएस से हो आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मतलब ईसी से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IEEE से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, ईटीई हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, ठीक है। तो अगर इन सभी से आपने एमटेक किया है या एमई किया है तो आप क्या होंगे, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एमएससी किया है सीएस से ऑनर्स की डिग्री या आईटी से, तभी भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आप एमसीए किए हो या बी लेवल या सी लेवल का कोर्स किए हो जो डोएक कराता है, ठीक है, बी लेवल या सी लेवल का कोर्स किए हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए किए हो, या आप सी लेवल या बी लेवल का कोर्स किए हो, तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा आपका है या उससे हायर क्वालिफिकेशन मतलब मास्टर डिग्री ही कोई इक्विवेलेंट टाइप का किए हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तभी भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये सीनियर वाला हो गया। अब हम लोग बेसिक वाले को देख लेते हैं। बेसिक वाले में क्या है आपका, बेसिक वाले को देखें, वही सेम चीज बोला है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। सबसे पहले बोला है यहां पर देखो, ग्रेजुएट एंड ए लेवल, ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि ए लेवल जो होता है एक साल का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, बी लेवल और सी लेवल नहीं होता है, वो तो आपका एक तरह से कोर्स ही हो गया तीन साल का, ठीक है। यहां पर ग्रेजुएट के साथ अगर आपने पीजीडीसीए किया है एक साल का या ए लेवल का कोर्स किया है तो आप इसके लिए बेसिक वाले के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात और क्या होना चाहिए, मतलब या तो ये हो या आप अगर बैचलर इन इंजीनियरिंग हो, बीटेक की हो, तो यहां पर मैक्सिमम यूपी में एटलीस्ट जितने एएसआई वाले कैंडिडेट हैं सबने पीजीडीसीए, जो पीजीडीसीए किया है खासकर, और ग्रेजुएशन के साथ अगर आप एक साल का पीजीडीसीए किए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बीटेक वाले तो उनके लिए तो पूछना नहीं है, बीटेक मैकेनिकल सिविल को छोड़ दिया जाए, मैकेनिकल सिविल को छोड़ दिया जाए तो सभी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पर बीई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब आपके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ या आपका कौन हो, या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हो तो ये भी बच्चे हैं यूपी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं तो ये भी भर सकते हैं। और बीसीए वाले, सबसे ज्यादा बच्चे हमसे जो जुड़े हैं बीसीए वाले, इसीलिए मैं इस नोटिफिकेशन को आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर बीसीए वाले आप लोग यहां प्रधान परिचालक पे भी बोल रहे हो, मैंने कहा है कि हाँ ये बातें चल रही हैं, हो सकता है आपको एलिजिबल किया जाएगा। और यहां पर भी आपके लिए एक राजस्थान में भी एक सुनहरा मौका आया है, तो इसे ना जाने दें, इसे पकड़ के रखें। बीसीए वालों के लिए साफ साफ लिखा है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। अब हम लोग देखें कि इसका पेपर कैसा होगा। आपके यहां पे देख पूछ दिया कि आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होगी, तो जब अर्हता ऐसी है तो पेपर भी ठीक ठाक होगा। चलो देख लेते हैं पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, बाकी सब जनरल चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरा एक डेढ़ घंटे का लेक्चर ही हो जाएगा इस पर, ठीक है। नोटिफिकेशन इसीलिए दिया जाता था कि आप आराम से घर पे बैठकर पढ़ लें, जो चीजें क्लियर ना हो, जिसके बारे में बता सकूं कि हाँ कैसे आपको तैयारी करना है, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। यहां पर देखो जो आपका सीनियर वाला है, ठीक है, सीनियर वाले में दो पेपर होंगे आपके, ठीक है, बोला है दो पेपर होंगे, पेपर वन होगा, एक पेपर टू होगा। बोला है द एग्जामिनेशन शैल कैरी 200 मार्क्स, देयर विल बी टू पेपर्स, पेपर वन शैल बी 100 मार्क्स एंड पेपर टू सेकेंड भी 100 मार्क्स, दोनों पेपर जो होंगे 100-100 मार्क्स के होंगे। पहला पेपर का जो है 100 मार्क्स का होगा, दो घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का होगा। अब पेपर वन में क्या क्या पूछा जाएगा, पहले लिखा आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर राजस्थान का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी राजस्थान के क्वेश्चन भी होंगे और आपके जनरल क्वेश्चन भी रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये भी ये पार्ट रहेगा, साथ ही साथ जनरल एबिलिटी का पार्ट रहेगा। अब जनरल एबिलिटी में क्या क्या रहेगा वो ध्यान रखो, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, जो आपके स्टेटमेंट वाले बेस के आते हैं, और जनरल जो होता है डिसीजन मेकिंग, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी डिसीजन उसी का है, आप लोग एसआई और एएसआई में पढ़े होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, बेसिक न्यूमेरेसी मतलब नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10 लेवल का आएगा। डीआई आएगा, चार्ट, ग्राफ, डाटा सफिशियंसी भी आएगा 10th लेवल का। तो ये एक तरह से
जीएस का मतलब आपका क्या है, रीजनिंग वाला पार्ट है जो यहाँ पे यूपी में बोला जाए, ये सब कुछ रीजनिंग में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग टाइप से इनके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इससे वाकिफ होंगे। अब इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है, ठीक, तो ये जनरल सी बात है। अब इसके बाद से हम आते हैं पेपर टू में, पेपर टू क्या है आपका, यही तो है सबसे बेहतरीन, ठीक है, जो जिस बैकग्राउंड से आप हो उससे रिलेटेड है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस इसके भी एमसीक्यू होंगे, 1/3 निगेटिव है। अब यहां पे आते हैं कि इसमें पेपर वाले में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। पहले बोला है इसमें पेडागॉगी भी होगा, कहीं ना कहीं ये टीचिंग से रिलेटेड चीजें हैं तो पेडागॉगी इसीलिए पूछ रहा है, ठीक है, तो पेडागॉगी का कुछ क्वेश्चंस आपके पास होगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या रहेगा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें मेंटल एबिलिटी फिर से पूछ रहा है, जो पहले पेपर में है आपके दूसरे पेपर में भी वही सब चीजें पूछ रहा है। देखो, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशियंसी, एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ, एक पार्ट यहां पे है मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हो गया। तो इन दोनों के, पेडागॉजी और इसके, तो क्वेश्चंस कम रहेंगे इस वाले में, 100 क्वेश्चन में। बाकी आपका जो देखो इतना बड़ा सिलेबस दिया है, वो किसका सिलेबस है, वो आपके कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। अब यहां से कंप्यूटर के सिलेबस पे हम लोग देखते हैं। अभी मैं इस किसका बात कर रहा हूं आपका, ये जो सिलेबस है आपका सीनियर का है, किसका है, सीनियर वाले का है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है। ऑलमोस्ट सीनियर और बेसिक वाले में कंप्यूटर का टॉपिक सेम ही सेम मिलेगा, एक दो कहीं इधर उधर होगा, बाकी और कुछ नहीं है अंतर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये तो जनरल है, आप लोगों को मैंने एएसआई में ये पूरा पढ़ा रखा है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद से प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल्स के बारे में बात किया है, तो सी, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अब बोलोगे क्या एआई की भी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी क्या, यहां लिखा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, ये नहीं लिखा है प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के, एआई के साथ ही मशीन लर्निंग आती है। मैंने थोड़ा सा एएसआई में जब पढ़ा रहा था, मैं आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है और एआई क्या होता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं कराए थे जो प्रोग्रामिंग वाले होते हैं, क्योंकि वो था ही नहीं आप में, ठीक है, यहां पे हो सकता है पूछेगा। पाइथन, ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग, डाटा टाइप्स, ये बिल्ट इन द यूजर डिफाइंड, स्कोप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये सब आपके कंट्रोल फ्लो फंक्शन, एरे पॉइंटर, यूनियन स्ट्रक्चर, ये सब, ये जनरली आपके क्या है, ये आपको सी सी प्लस प्लस में मिलेंगे, उन्हीं का आपका अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, तो बेसिक आपके यहां से सी और सी प्लस प्लस से ही क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखना, इस वाले पार्ट से सी और सी प्लस प्लस के ही क्वेश्चन आएंगे। पाइथन और ये जो ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग देख रहे हैं वो कम होगा, बहुत कम, जनरल फंडामेंटल्स पूछ ले तो पूछ ले। उसके बाद से देखो इस पार्ट को अलग कर दिया, जो सी प्लस प्लस वाला है, उप्स कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड जावा, यहां पे उप्स के कॉन्सेप्ट को अलग कर दिया है, तो ये आसान है। इसमें उप्स में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट और क्लास इनहेरिटेंस जो होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, फाइल्स एंड स्ट्रीम्स, तो ये जनरल से चीजें हैं, ठीक है। अगर आप, ठीक है, अभी मैं जो है ओ लेवल, जो ओ लेवल का कोर्स है उसको मैं स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, तो जितने लोग इच्छुक होंगे ओ लेवल के लिए वो जरूर इस वीडियो में कमेंट करिएगा। यदि आप ये इसके पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, यूपी के जो कैंडिडेट हैं राजस्थान में, अगर आपको लगता है कि नहीं कंप्यूटर स्पेशल बैच चाहिए, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप बताइए कि कितने बच्चे ऐसे इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में, तो वो कैसे मुझे पता चलेगा, जब तक आप इस वीडियो के कमेंट में नहीं बताएंगे कि नहीं सर मुझे इसके कंप्यूटर को पढ़ना है, तो आप बैच स्टार्ट करिए। जब तक आप बताओगे नहीं मैं ये बैच स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, जो यूपी के कैंडिडेट हैं, जो राजस्थान में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए इसीलिए मैं लेके आया हूँ। कुछ चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी इसमें फंडामेंटल टाइप में पढ़ा चुका हूं, बस उसकी डिटेलिंग बाकी है जो इस वैकेंसी में है, तो अगर आप कहोगे तो जरूर स्टार्ट किया जाएगा, संस्था इस पर विचार करेगी, बाकी तो ओ लेवल का जो है वो चलना तय है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये भी मैंने आपको बता रखा है, डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, लिंक लिस्ट के बारे में देखो, यहां पर लिंक लिस्ट है, एरे स्टोरेज है, स्टैक है,
क्यूज हैं, बाइनरी ट्री है, सर्च कैसे होता है, ग्राफ क्या है, सब मैंने आपको उसमें थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया था। एल्गोरिथम पढ़ाया ही था, ट्री ट्रेवल्स, ब्रांच बाउंड, ग्रेडी मेथड, इसमें थोड़े डिटेलिंग में हमें जाना पड़ेगा बस उसके, क्योंकि एल्गोरिथम में मैंने जनरली आपको बता दिया था क्या होता है, लेकिन यहां पर ग्रेडी मेथड एल्गोरिथम क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कैसे कम किया जा सकता है, यह सब चीजें। डिजिटल लॉजिक सिस्टम तो जो जितना मैंने आपको पढ़ाया था ना ASI में सेम उतना ही है, उससे एक भी ज्यादा थोड़ा सा ही है। सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर और हाफ एडर तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। ये सिक्वेंशियल सिस्टम डिजाइन, बस तीन चीजें एक्स्ट्रा बढ़ी हैं, बाकी आपको मैंने जितना उसमें पढ़ाया था उतना ही इसमें सिलेबस में। चलो और देख लेते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो यहाँ पे वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर मैंने बताया है, रजिस्टर क्या होता है ये आपका वही है, थोड़ा सा DMA के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बताया था तो यहाँ DMA आ गया है, बाकी आपका जनरल है, एड्रेसिंग क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे एड्रेसिंग मोड पहला बताना पड़ेगा मुझे, तो वो बोलते रहे थोड़ा थोड़ा बस डिटेलिंग करना, बाकी ऑलमोस्ट वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम CPU शेड्यूलिंग है, ये थोड़ा नया है, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक का कंडीशन जो मैं बार बार जिक्र करता था, फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम, वहां पे मैंने आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताए थे, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग होगा आपका, ठीक है, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यहां पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा आपको अच्छे से आना पड़ेगा। उसके बाद से डाटाबेस मैनेजमेंट वहां नहीं पढ़े थे हम लोग, तो ये इस मॉडल को पढ़ेंगे, ER मॉडल होते हैं इसमें कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये भी इसके फंडामेंटल्स ही पूछेगा। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाओ तो फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल, सिस्टम मॉडलिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन क्या होते हैं, जो हर सॉफ्टवेयर में आपके प्राइवेसी सर्टिफिकेशन होते हैं उसके बारे में ये डिटेलिंग मांगना है। डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर लें तो इसमें ऑलरेडी हमने मैक्सिमम पढ़ रखा है, कुछ चीजें जो ये वाले फॉर्मेट हैं इनको नहीं पढ़ा था हमने, प्रोटोकॉल, फिजिकल लेयर, ASI मॉडल, ये सब पढ़ रखा, तो वही सब चीजें हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। नेटवर्क सिक्योरिटी में आ जाओ, ये नया रहेगा क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गया, ठीक है, थोड़ा तो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आपके नेटवर्क सिक्योरिटी आता है। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में जो मैंने लास्ट में आपको CDMA, TDMA, FDMA पढ़ाया था उसके मॉडल यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो एक तरह से मोबाइल, यहाँ पे बोला जाए मोबाइल कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। एटोनेशन डिजिटल एक तरह से, यहाँ पे पल्स कोड मॉडुलेशन PCM है एंड डेल्टा मॉडुलेशन, इस टाइप के कुछ पढ़ने होते हैं हमें, एक ये कहा जाए तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, उसको हमें पढ़ना रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद से यहाँ पे HTML का आ गया, ठीक है, ये देखो वेब डेवलपमेंट की बात किया जाए तो HTML, DHTML हमें पढ़ना पड़ेगा, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिटेल में इसे हमें जाना पड़ेगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो वहां पे नहीं थे लेकिन यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ PHP एंड JavaScript की हमें वेबसाइट में बेसिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो बैकग्राउंड सेट करना है, कलर सेट करना है, किसी इमेज को लगाना है, तो उसकी कोडिंग आपसे पूछता है कि डायमेंशन कैसे सेट करेंगे, उसके लिए फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, वो JavaScript और PHP के किसी के फंक्शन पूछ सकता है, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, जब पूरा का पूरा प्योरली कंप्यूटर का ये एक तरह से बोला जाए पेपर है तो उतना तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग बेसिक वाले में, ठीक है, ये बेसिक का है, यहां देखो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, इसमें पेपर 1 सेम है, पेपर 1 आपका कोई चेंजेस नहीं है जो आपका उसके लिए है, पेपर 2 भी आपका वही है, पेपर 2 में पेडागॉजी आएगा, मेंटेलिटी वो है ही है, ये आपका यहाँ पे फंडामेंटल्स आपका सेम ही है, वही चीजें लिखा है यहाँ पर फंडामेंटल्स में। उसके बाद से देखो डाटा प्रोसेसिंग, यहाँ थोड़ा आपका बदल गया है, वहां पे कुछ और था यहाँ पे कुछ और हो गया है, यहाँ डाटा प्रोसेसिंग में जितना मैंने आपको बताया, तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, सीनियर पे ज्यादा कंसेंट्रेट ना हो, इस पे कंसेंट्रेट हो, बेसिक वाले पर। इसमें तो ये वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वही MS Office पूरा, MS Office, Excel, DBMS में MS SS, MS PowerPoint, ये सब पढ़ाया था, वही चीजें हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जनरल जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही, ठीक है ये पूरा ऊपर वाला ही सिलेबस। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, देखो डाटा स्ट्रक्चर भी एरे लिंक लिस्ट वही है जितना मैंने आपको ASI में बताया था उतना ही है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए,
यहाँ पर तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्स्ट्रा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, यहाँ से थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स, ये थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की बात किया जाए तो बेसिक का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट थोड़ा आसान है सिलेबस। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ये आपके जनरल चीजें हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा था। नेटवर्क सिक्योरिटी में भी बहुत ज्यादा नहीं है कि वायरस से कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, फायरवॉल हो गया, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, उन सब चीजें से। और उसके बाद से नेटवर्किंग, लैंड वैन सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के बारे में बात किया जाएगा। तो ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा है, अगर बेसिक्स पढ़ना है, सीनियर तो नहीं चलाऊंगा मैं, बेसिक वाला अगर आप कहोगे कमेंट में तो मैं जरूर बेसिक वाला स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, अगर आप लोग मेरे से ASI पढ़े हो ना तो बहुत जबरदस्त ये समझ में आएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में भी कुछ ज्यादा नहीं है, ER मॉडल वॉडल हटा ही दिया इसमें से, जनरली सिर्फ आपके फंडामेंटल्स ही पूछ रहा है। ठीक है, फंड उसमें सीनियर वाले ने तो अच्छा खासा ग्रेजुएशन CS लेवल का पूछा, भाई जब मास्टर पूछा है तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन लेवल का पूछेगा, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है ये थोड़ा आपको नया पड़ेगा, इसे भी पढ़ लेंगे हम लोग। इंटरनेट थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये मैंने आपको बताया भी था कि इंटरनेट के यूजेस क्या है, ठीक है वही चीजें यहां पर भी है, थोड़ा विस्तृत है। ई कॉमर्स हो गया, ई बैंकिंग हो गई, ये सब चीजें यहाँ पे, वॉइस मॉल, HTML की टूल्स है, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, XML, JavaScript, ये सब बेसिक्स इसी में आ गए, कवर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं उससे शॉर्ट, वेब डेवलपमेंट इसमें नहीं है, उसमें था, तो उसी का HTML जो बेसिक चाहिए वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो बेसिक कंप्यूटर आपका इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है बहुत ही आसान है। अगर आपको ये बैच चाहिए स्पेशल कंप्यूटर फॉर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो आपको इस वीडियो में कमेंट करना है कि सर नई बैच स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो मैं जरूर आप लोगों के लिए ये बैच स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया बेसिक वाले में और सीनियर वाले में। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बेसिक वाला फॉर्म जरूर आप लोग भरिए, क्योंकि इस बेरोजगारी के माहौल में एक रोजगार ही मिल जाए तो बहुत है, आपका कैरियर सेटल हो सकता है, आपका जीवन सेटल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।